पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर हुआ जानलेवा हमला। जिला प्रयागराज में तिलाई बाजार मोआइमा में पुरानी रंजिश को लेकर शुक्रवार 1 बजे दिन में युवक पर खेत में लोहे की रॉड और चाकुओं से हमला कर बेहोश कर दिया गया, जहां हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। मामले की तहरीर पर पुलिस 3 नामजद समेत 2 अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज करवा कर कार्रवाई की है। फिलहाल घटना मामले के आरोपी पुलिस की पकड़ से फरार है। मोआइमा के परमानंदपुर निवासी दिलीप कुमार पुत्र रामचतन का आरोप है कि उनका भतीजा जितेंद्र कुमार खेत गया था। आरोप है कि उनके विपक्षी एक राय होकर हाथों में लोहे की रॉड और चाकू लेकर जितेंद्र कुमार पर हमला कर दिए, जिससे वह बेहोश हो गया। जितेंद्र कुमार को पहले स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। दिलीप कुमार पुत्र रामजतन ने मोआइमा थाने में अभिनव कुमार, अखिलेश कुमार, राम अवध तथा 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा मोआइमा थाने में दर्ज कराया है। समाचार लिखे जाने तक घटना मामले के आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस नाकाम रही है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से जिला क्राइम ब्यूरो रोहित शर्मा की खास रिपोर्ट। आपको कैसे चोट लगी है? सर, मैं धान सिंह की राहत में सो रहा हूँ। राम भक्त के 2 लड़के और 2 लोग थे, 4 लोग हम मारने लगे सोचते हैं। अच्छा, जब मैं जाके भागा तो धान गिर गया, उसे मारने लगे धान। किससे मारे आपने? चाकू लिए थे और राड। अच्छा, दोनों चीज़ों से आपको मारा? हाँ। अच्छा, कौन कौन मारा था? अभिनव और चाकू से आपको मारा गया और गार्ड से मारा गया। आपका नाम क्या है? जितेंद्र। क्या है पूरा मामला बताइए। मामला सर यह है कि वहाँ ग्राम सभा के सामने सराब ये जमीन है जी, जिसमें उसमें पटेल के भी यादव के भी पेड़ हैं सर, जो है उसमें लोग क्या कहते हैं लड़के खेलते उलते थे और साफ सुथरा रहता था सर, और उसमें शादी विवाह का सबका कार्यक्रम होता, पूरे बस्ती का, पूरी बस्ती परेशान है इनसे जो है, ये परिवारों के हैं। जब से सरकारी वकील हाई कोर्ट में हो गए हैं। कौन सरकारी वकील हैं? राम मोहन से। अपने जो है उनसे तकलीफ क्या है आपको सरकारी वकील से? वो जमीन पूरा कब्जा कर रहे हैं, सबके सामने है, हम लोग कह रहे हैं जैसे है वैसे पड़ी रहे जी। उनको है कि ये सब मेरी है, मतलब पूरा स्वभाव ये जमीन अकेले कब्जा कर रहे। ये घटना हुई है, कैसी घटना हुई है? घटना जो हुई है 2 बार हो गया सर, जो 2 बार मारपीट हो चुकी साल भर में, 2 तीसरी बार है। धान के खेत में सींच रहा था, चारपाई पे सो रहा था रस, लोग वहाँ जो है पूरी तैयारी के साथ गए सोते हुए, पर एक एक जोड़ पर देखिए जो चोटें आई हैं सर में। किससे मारा गया है इनको? इनको चाकू से भी मारा गया, सर में फटा हुआ है सर, जो है देखिए लग सब लगे हुए हैं। चाकू से मारा गया है इनको? हाँ, सर में है सर जो है। अच्छा, आप कौन है? हम नाना है। आप माता जी क्या है पूरा घटना बताइए, कैसे इनको चोट लगी है, क्या है? ये खेत में गए हैं जी, ये सूचने गए हैं, ये लेटर आए जी, चलत रहे थे, सोचत रहे थे, गए सोए गए, सोते में गए, अब सोते में मारे जा रहे हैं, उठ के गए, ये वो अपने झगड़ में उठे एक बार एक खेत में गिर गए, ऐसी को कुटाई करेंगे। कैसी घटना हुई है? सर, मेरा भतीजा सुबह से 9:30 बजे गया खेत में, खेत खींचने के लिए, मेरा भतीजा सो रहा था वहाँ खींचने से, तो इनके राम और सर जो सरकारी वकील अपने पद का, कहाँ पे सरकारी वकील हैं? हाईकोर्ट इलाहाबाद वकील है, इसलिए कहते हैं कि हम जो होगा हमारे सब कुछ मारेंगे पीटे भगा देंगे मार के, हम सरकारी वकील हम सब कुछ देख लेंगे। तो अब उनके दोनों लड़के बच्चे ने उसको जानलेवा मारने की धमकी दी, उसके बाद चाकू से मारे, मेरा भतीजा वहाँ पर गिर पड़ा, फिर उसके बाद गाँव के लोग जो वहाँ थे मौजूद थे और लोग बचाव किए नहीं, उसके बाद मार डालते हैं। अभी तक राम हुआ था यहाँ से, अभी हमको इनको किससे मारा गया है? चाकू से मारा गया है, राड से मार दिए हैं। अच्छा, और सर हम विद्यालय से लौट रहे थे, राम हुआ हमको रास्ते मिले, हमको कह रहे हैं कि साले तुम घर चलो तो हम तुमको जान से मार डालेंगे। कौन कहा आपको? राम सरोजन सरकारी वकील जो है, वो हमेशा तीसरी बार मारने मारे हैं सर। तो इसकी सूचना आपने दिया पुलिस को? थाना में दिया तो स्विच गैन रिफर कर दिए कि आप मुझे आइए, वहाँ पुलिस भोज रहे हैं, अब तक वहाँ पर पुलिस भी नहीं गई सर। अच्छा, उनको कोई ऊपर मुकदमा नहीं किया जा रहा है सर, और थाने में ये कहते हैं कि हम वो सरकारी वकील हैं तो अपने पद का क्या करें हम लोग सर। वहाँ जो है
अपना पद का रौब दिखा रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपना रौब दिखा रहे हैं। उनके खिलाफ कोई खड़ा होता तो कहते हैं मैं अच्छी हूँ, हाईकोर्ट के वकील हम सबको फंसा देंगे। कोई जो है अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दिलीप कुमार है, जिन चोटी का मैं चाचा हूँ। अच्छा, थाना महुआमा ब्लॉक बारिया तहसील कोर्ट को ग्राफ करवा कार्रवाई नहीं हो रही।